मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और टिकटॉक वगैरह सब मैंने डिलीट कर दिए हैं। ये जो नेटफ्लिक्स वाले हैं ये भी सस्पेंस सस्पेंस खेलते हैं। रात को क्या हुआ, मैं एक वेब सीरीज देख रहा था लगभग 12 बजे वीडियो अपलोड करने के बाद यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा एक एपिसोड देख लेता हूँ। जामताड़ा नाम की एक वेब सीरीज है, वो देख रहा था, जो फिशिंग स्कैम होते हैं उन पे आधारित है वो, और काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है। उसका क्या है, अभी सीज़न 1 आया हुआ है, उसके टोटल 10 एपिसोड है, तो मैंने सोचा एक एपिसोड देख लेता हूँ, आधे घंटे का है, फिर उसके बाद सो जाएंगे। तो एक एपिसोड देखा तो लास्ट के अंदर इतना मतलब सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एपिसोड देखने को बंदा मजबूर हो जाता है, और यही मेरे साथ हुआ। अगले वाला देखा, फिर उसके अगले वाला, ऐसे करते करते लगभग मैंने 8 एपिसोड पूरे देख डाले और सिर्फ 2 ही बचे थे। तो जब तक 8 एपिसोड देखे तब तक टाइम हो गया सुबह के 4:30। इनकी जो टाइमिंग होती है ना इतनी परफेक्ट होती है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में, जैसे 30 मिनट का एक एपिसोड है तो उसके अंदर बिल्कुल लास्ट के अंदर इतना भयंकर सस्पेंस क्रिएट करके छोड़ते हैं कि बंदा मजबूर हो जाए नेक्स्ट वाला एपिसोड देखने के लिए। तो ऐसे करते करते मैंने 8 एपिसोड देख डाले, और फिर सुबह उठते ही पहला काम ये किया कि वो जो 2 एपिसोड पेंडिंग थे वो भी कंप्लीट कर दिए। वैसे एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, बट इसमें क्या है ना कि एक बार बंदा देखने लग जाए ना वेब सीरीज तो फिर पूरा उसको करना ही पड़ता है। सेम वैसे ही है जैसे नॉवल पढ़ने की कुछ लोगों को हैबिट होती है, तो जब तक उस बुक को कंप्लीट ना कर दे तब तक ऐसे ही रहता है कि इसको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, सेम वही सीन रहता है इसके अंदर भी। और जस्ट अभी ना मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर और टिकटॉक वगैरह सब मैंने डिलीट कर दिए हैं, और कुछ दिनों के लिए मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो प्लीज़ मुझे मैसेज, डीएम या कॉल वगैरह कर मत कीजिएगा उन पे। तो कुछ दिनों के लिए मैंने बिल्कुल अपने फ़ोन से उनको डिलीट ही कर दिया है, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि उनकी वजह से और स्ट्रेस मेरे लाइफ में आए। तो अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन में सिर्फ यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है एंड इसके अलावा एक ट्विटर है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें क्या है डेली की अपडेट्स आती रहती हैं। ट्विटर में क्या है, कोरोना से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती हैं डेली, तो उसमें जो अपने सीएम है राजस्थान के उनके भी डेली ट्वीट्स आते हैं, तो उनसे पता चलता रहता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं। तो सिर्फ एक ट्विटर ही रखा है मैंने, उस पर मैंने ज़्यादा लोगों को फॉलो नहीं कर रखा है, सिर्फ ये कोरोना के कारण ही मैं चलाता हूँ। वैसे नॉर्मली मैं ट्विटर का यूज़ नहीं करता, तो उसमें मेरे को अपडेट्स मिलती रहती हैं। एंड जस्ट अभी ना पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट आया है कि कल सुबह 10 बजे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 14 तारीख सुबह 10 बजे आएंगे लाइव और देश को कुछ मैसेज देंगे। एंड उसमें बताया तो नहीं हुआ था कि किस चीज़ के बारे में है, बट ऑलरेडी सभी को पता ही है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसी के बारे में चर्चा होगी। तो कल सुबह 10 बजे वो लाइव आ रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या कुछ उन्होंने आगे डिसीजन लिए हैं, और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कितने दिन आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट मैंने अपना व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया है, पूरे दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं, ऑलरेडी मैं थोड़ा स्ट्रेस चल रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि इन सब चीज़ों के अंदर पढ़ के मेरा माइंड और ख़राब हो। एंटरटेनमेंट के लिए अपने पास कोई कमी नहीं है, नेटफ्लिक्स है, अपने पास यूट्यूब है, तो वीडियोज़ वगैरह देखते रहेंगे, मूवीज़ वगैरह देखते रहेंगे, और जो टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट हो रहा था उसे कहीं और अच्छी जगह पर यूटिलाइज करेंगे। एक बार तो माइंड में आया कि ये जो टारगेट है इसको यहीं गिव अप कर देता हूँ, बट फिर तभी सोचा कि अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो इस चीज को कैरी ऑन रखना चाहिए, क्योंकि आप सब लोगों से बातें करने का सिर्फ एक ही मीडियम है। तो दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि यूट्यूब को रहने देते हैं, बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको सबको डिलीट मार देते हैं, तो अभी मैंने जस्ट अभी उन्हीं को डिलीट किया है। एंड जब भी आप स्ट्रेस्ड फील करें ना, तो ये सबसे पहला काम अगर आप ये कर लेते हैं कि अपने सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको स्ट्रेस से बाहर निकलने में हेल्प होती है। अपने कुछ ऑडियंस भी आए हुए हैं बाहर, मैं आपको मिलवाता हूँ, सभी अपने सब्सक्राइबर्स हैं मैं अभी आपको मिलवाता हूँ, वो अभी देख रहे हैं मेरे को वीडियो शूट करते हुए, तो जस्ट अभी मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। 2 सब्सक्राइबर अपने ये रहे, 1 और 2, और बाकी के यहाँ पे हैं, कुछ ये रहे कुछ ये रहे, और ऊपर काफ़ी सारी ऑडियंस अपने को देख रही है वीडियो बनाते हुए, ये चेक कर लीजिए।
तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स को एक साथ देख के काफी खुशी हुई। वैसे ये काफी घटिया जोक था, मेरे को पता है, मेरे को खुद को भी हंसी नहीं आई इस पे और आपको भी नहीं आने वाली, बट अभी फिलहाल यही आया माइंड में। अब ना यार विंडो भी नहीं ओपन कर सकता, इतने मच्छर है ना बाहर। अब जैसे आपको शीशे पे दिखाई है तो कुछ भी नहीं है, जैसे ही विंडो ओपन करूंगा ना सारे अंदर आ जाएंगे। तो रात को जब मैं सोता हूँ उस टाइम लाइट्स वगैरह सारी ऑफ करके फिर ही विंडोज ओपन करता हूँ। उस टाइम अगर फोन की लाइट भी अगर जला ली ना मैंने तो सारे के सारे अंदर आ जाएंगे। काफी परेशानी होती है, बट गर्मियों में यार यही दिक्कत रहती है अक्सर, विंडोज वगैरह ओपन नहीं कर पाते। सेकेंड लास्ट डे ऑफ आर यूट्यूब वीडियो चैलेंज, अब सिर्फ एक दिन बाकी है। अभी ना गाइज कल परसों की ही बात है, तो यहाँ से लगभग मेरे घर से 70 किलोमीटर दूर दो पेशेंट मिले हैं कोरोना के, और दोनों पॉजिटिव हैं, और ये भी पता चला है कि दोनों ही जमाती थे। सो गाइज वैसे देखा जाए तो जमातियों की वजह से ना बिल्कुल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, एंड कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको फेस करना पड़ रहा है। एंड काफ़ी सारे लोग ना ये चीज़ें अपना रहे हैं कि मुसलमानों को भगाओ, ये टेररिस्ट है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। पूरी कम्युनिटी को ब्लेम करना समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ मानते हैं कि जमातियों की वजह से जो सिचुएशन है वो इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, अगर वो ये सब ना करते तो काफ़ी हद तक अब हम इसे कंट्रोल कर चुके होते, लेकिन उसकी वजह से हमें आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को इसका दोष दें। सो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़िए, अभी फिलहाल एक ही धर्म है, वो है मानवता। अभी पटियाला के अंदर एक सीन हुआ, कुछ सिख लोगों ने मिलकर पुलिस वालों के जो बैरिकेड्स होते हैं उनको उड़ा दिया पहले तो, और पुलिस वालों ने जैसे उनको रोका, पूछा कि कर्फ्यू लगा हुआ है, आपके पास पास है क्या यहाँ आने का, तो इतना कहने पे हाथापाई पे उतर आए, और उनमें से एक सिख भाई के पास ना तलवार थी, तो उसने तलवार की मदद से ना उस पुलिस वाले का हाथ धड़ से अलग कर दिया। एंड उस पुलिस वाले का अभी इलाज चल रहा है, काफी सीरियस कंडीशन में है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। सो प्लीज अभी कंडीशंस काफी खराब है देश की, तो इस तरह की एक्टिविटीज मत कीजिए, अगर कोई करता है तो उन्हें रोकने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो लोग सड़कों पे हमारे लिए अपनी जान को दांव पे लगा के खड़े हुए हैं हम उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जरूरी नहीं है कि हर चीज का ठेका मुका रखा है प्रशासन ने कि हर चीज वही कंट्रोल करेंगे, हम सबको मिलके इसको ओवरकम करना पड़ेगा। सो होप सो आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा, इन फ्यूचर भी इसी तरह काफी सारे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए RC17 व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया सा कंटेंट लेके, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।